नमस्कार दोस्तों, आज हम शुद्ध देसी किचन पे मिक्स सब्जी कैसे बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल सब्जी वो बताने जा रहे हैं। तो हम सरसों का तेल डालेंगे 2 चम्मच के ऊपर, तीन चम्मच हम सरसों का तेल लिए हैं, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे, हल्का लाल हो गया तो 10 पीस कांदा बारीक कटा हुआ लंबा लंबा वो हम काट लेंगे। देखिए हल्का जो है ब्राउनिश कलर आ जाए तो हम इसमें हर मसाला जो कूटा हुआ है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो देखिए कांदा का जो कलर है हल्का गोल्डन हो गया है, तो अब इसमें हम 1 छोटा पीस अदरक का हम कूट लेंगे, बारीक काट के हम उसमें मिक्सी में, अरे कूटरदानी में कूट लेंगे। 10 से 12 हरी मिर्च है उसको भी हम कूट लिए हैं, 15 पीस लहसुन का है उसको भी हम छील के कूट लेंगे अच्छे से। तीन टमाटर बारीक कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे। टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम, 1 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर, 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर। दो चम्मच से ज़्यादा हम नमक डालेंगे, सॉल्ट ऑलमोस्ट 3 चम्मच हम सॉल्ट यूज़ किए हैं। तो नमक तो आप स्वाद अनुसार आप जैसे क्वांटिटी बनाएंगे उसके हिसाब से आपको पड़ेगा। 1 कटोरा हरा मटर इसको बॉईल कर लेंगे 5 मिनट और इसमें हम डालेंगे। 2 गाजर बारीक लंबा कटा हुआ, बारीक मतलब तो मोटापन जैसे इस टाइप का देखिए कटा हुआ, इसको भी मटर के साथ बॉईल कर लेंगे और ज़्यादा नहीं बॉईल करेंगे, 3 से 4 मिनट बॉईल करके हम तो पानी निकाल के इसमें हम डाल देंगे। अब जो हम सब्जी सब जो फ्राई किए थे वो इसमें हम मिक्स करेंगे। तो देखिए ये है कटहल, उसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये है गोभी, 1 पाव गोभी है, 1 पाव कटहल है, 3-4 बैंगन है, बैंगन फ्राई किए हैं। इसके बाद आलू है, 3-4 आलू लंबा लंबा काट के हम फ्राई किए हैं। सारा सब्जी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स कर दिए हम, अब इसको ढक के हम 10 मिनट हम इसको छोड़ देंगे स्टीम हो सके, मसाला इसमें अंदर अच्छे से मिक्स हो सके। तो 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं कम आंच में। तो देखिए मिक्स कर दिए हैं, अब देखने में आपको इतना खूबसूरत सब्जी मिक्स वेजिटेबल का जो है आपको आ रहा है, तो आप देख सोचिए बनाने और खाने में कितना स्वाद आएगा। तो अपने अपने घरों में ज़रूर बनाइए और खाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और इसको पूरी के साथ या चपाती के साथ या जीरा राइस के साथ, किसी भी अन्य प्रकार के साथ, तंदूरी रोटी है उसके साथ, किसी भी अन्य प्रकार के
साथ ये खा सकते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, नाश्ता में खा लिए, दोपहर में, लंच में हो या डिनर में हो, ये सब्जी आपको काम आएगा फैमिली के साथ खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। अब जो हम गर्म पानी किए हैं, ये एक टोप 2 गिलास इसमें हम गर्म पानी करके हल्का डालेंगे। देखिए बॉईल होने लगा है, बॉईल होने के जैसे साथ ही 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम गरम मसाला यूज़ करेंगे और 4 से 5 काली मिर्च का अखा दाना उसको हम कूट लेंगे या तो पीस के पाउडर रहेगा तो डाल दीजिए। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। बन गया मिक्स वेजिटेबल सब्जी। तो दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, ग्रेवी भी उतना ही है जितना आप खा सकें और ज़्यादा भी पानी आपको डालने से अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हम लास्ट में गैस को बंद कर देंगे और हम नारियल पाउडर का जो है मिल्क, जिसको कोकोनट मिल्क बोलते हैं, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। या तो नारियल आप अखा नारियल लेके घिस के वो भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही एक हम बटर यूज़ करेंगे और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता हम डाल देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से स्वदेशी किचन देखते रहिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए स्वदेशी किचन।